मैं आप सबके बीच में आया हूं देवेंद्र सिंह राणा जी के लिए आपका सहयोग समर्थन आपका आशीर्वाद मांगने के लिए। और ये जन समूह देखकर लगता है टेंट छोटा पड़ गया, सड़कें जाम हो गई, गाड़ियों में जगह नहीं रही। अब तो लगता है नामांकन तो भरा है, यहां तो रिजल्ट भी सामने दिखता है कि इतिहास रचने वाला है। आज नामांकन के दिन अगर इतना जन समूह है तो जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन नंबर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में रिकॉर्ड लीड भी हमारी होगी। मेरे भाई और बहनों, धारा 370 जिसने जम्मू कश्मीर को जख्म दिए, खून खराबा दिया, अलगाववाद दिया, आतंकवाद दिया, और यही नहीं 45,000 लोगों की जान लेने का काम किया, तो नेहरू से लेकर राहुल गांधी की सरकारों के समय हुआ है। लेकिन जब आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, हमने धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? क्या धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, वापिस आनी चाहिए क्या? अरे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि धारा 370 को लाएंगे, आप कसम खाइए हम कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नहीं आने देंगे, धारा 370 भी कभी नहीं आएगी। मेरे भाई और बहनों, राहुल गांधी जी, पंडित नेहरू जो जख्म दे गए, 45,000 लोगों की जान गई है, नागरिकों की भी, सैनिकों की भी। मुझे लगता है खड़गे जी और राहुल गांधी जी का आंकड़ा भी पूरा नहीं हुआ जाने लेने वालों का। अरे कितनी जाने लोगे, कितना खून खराबा करोगे, कितना आतंकवाद बढ़वाओगे? क्यों पीएसए को खत्म करना चाहते हो? क्यों 370 को वापस लाना चाहते हो? 45,000 लाशें देखकर आपका दिल नहीं भरा? और कितनी लाशें देखना चाहते हो? अरे जनता पूछती है क्या सत्ता में आने के लिए इतना गिर जाओगे कि आप पीएसए को खत्म करने की बात और 370 को वापस लाने की बात करोगे क्या? अरे मेरे भाई और बहनों, ये क्या कह रहे, पीएसए खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? चिट्टा बेचने वाले, नशा बेचने वाले, पत्थर फेंकने वाले, आतंकवाद बढ़ाने वाले, ये सब खुले छूट जाएंगे। क्या नशा बेचने वाले को खुला छोड़ना चाहिए क्या? क्या पत्थर फेंकने वालों को खुला छोड़ना चाहिए क्या? आतंकवाद बढ़ाने को खुला छोड़ना चाहिए क्या? अगर खुला नहीं छोड़ना है तो पीएसए हटाने वाले, 370 को वापस लाने वाले की सोच रखने वाले पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नहीं लाने देना है। मेरा सवाल राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला से है, क्या इनके परिवारों की तीन तीन पीढ़ियों ने जो फायदा जम्मू कश्मीर से उठाया है एनसी पीडीपी कांग्रेस ने, क्या इनका पेट अभी तक नहीं भरा? क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर वालों से? यहां पे ना इन्होंने बड़ी सुविधाएं दी, ना सड़कें दी, ना बाकी कुछ दिया। अरे आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, हमने आईआईटी बना दिया, आईआईएम बना दिया, आईएमसी बना दिया, दो दो एम्स बना दिए, कई मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिए। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के अपने बलबूते पर सरकार बना दो, हम जम्मू कश्मीर को देश के तीन बड़े राज्यों में लाकर खड़ा कर देंगे, आगे बढ़ाने का काम खड़ा कर देंगे। जो 70 सालों में इन्होंने छीना है, मेरे भाई और बहनों, जो 70 सालों में छीना है, आप हमें 5 साल दीजिए, ब्याज समेत वापस देने का काम मोदी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने कहा है कि हम आएंगे। मेरी बहनों, 18,000 रुपया महिलाओं को साल का भारतीय जनता पार्टी देगी। मेरे भाई और बहनों, 3,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन हमारी सरकार देगी। आपके बच्चों को लैपटॉप देंगे, कोचिंग क्लासेस के लिए 10,000 रुपया देंगे,
5 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए देगी मेरे भाई और बहनों।